हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो जयपुर में शॉपिंग करने के बहुत शौकीन हैं, क्योंकि जयपुर ऐसी जगह है जो टूरिस्ट प्लेस भी है, उसके अलावा शॉपिंग के लिए भी बहुत ही बेस्ट डेस्टिनेशन है, जहां पे आपको हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, जूते, जूतियां, बंधेज, उसके अलावा लहंगा, चुन्नी और भी जाने क्या क्या आप यहाँ पे आकर परचेज कर सकते हैं। जयपुर यदि आते हैं तो आप यहाँ का घेवर खाना ना भूलें। जिस मार्केट का हम जिक्र करने वाले हैं आपसे, उसी मार्केट के पास में है लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। जी हाँ गाइस, LMB जिसका घेवर, रबड़ी वाला घेवर जो है वो विश्व विख्यात है। तो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स में। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी और एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के साथ। जी हाँ गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के साथ। तो गाइस, आज जिस मार्केट का हम लोग जिक्र करने वाले हैं, वो मार्केट ऐसा मार्केट है कि कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो सबसे पहले वो जाता है राजस्थान, जिसे मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, उसी की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। स्वागत है आपका पिंक सिटी के अंदर। राजस्थान, जहां पर अतिथि को देवता माना जाता है, आज उसी सिटी के अंदर आपको दिखाने वाले हैं जयपुर का बापू बाजार। ये वो मार्केट है जो सैलानियों, देश विदेश से जो भी आते हैं, उनका पसंदीदा डेस्टिनेशन है। जी हाँ गाइस, पूरे दिन घूमने के बाद में, क्योंकि जयपुर एक टूरिस्ट प्लेस है जहां पर घूमने के लिए काफ़ी जगह है, तो उसी जगह घूमने के बाद जब शाम होती है तो लोगों की पहली डेस्टिनेशन होती है बापू बाजार। बापू बाजार जो कि फेमस है सूट, सलवार, साड़ी, बंधेज, जूतियां, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल और गाइस, जो सुंदर महिलाएं होती है उनका फेवरेट आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन शॉपिंग के लिए है बापू बाजार, जहां पर आप सजावट के सामान भी परचेज कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को कठपुतलियां पसंद होती है, जिसे पपेट भी कहा जाता है, वो भी आप यहां पर आकर परचेज कर सकते हैं। और एक बात तो हम आपको बताना भूल गए कि बापू बाजार में एक चौराया है जिसे चटोकड़ी रांडो का चौराया कहा जाता है। जी हाँ गाइस, नाम थोड़ा सा अटपटा है, हंसी भी देता है, लेकिन उस मार्केट के पानी पता से बहुत फेमस हैं, जहां पर महिलाओं की भीड़ हमेशा लगी रहती है। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं लिंक रोड के ऊपर। तो ये बापू बाजार का सबसे फेमस जगह लोकेशन है, जिसे लिंक रोड बापू बाजार कहा जाता है। यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी का हब आपको मिलेगा। मौसम काफी खुशनुमा हो चुका है, देख पा रहे होंगे शाम ढल चुकी है, लाइटें जल चुकी है और ऊपर बादल आपको देख के अंदाजा लग पा रहा होगा कि कितना खूबसूरत है मेरा जयपुर का बापू बाजार। दोनों तरफ आप टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं, फोर व्हीलर यदि आप लेके आते हैं तो आपको बाहर ही खड़ा करना होगा। बापू बाजार जितना खूबसूरत है उतना ही थोड़ा सा कॉस्टली भी है। यहाँ पर आकर आपको बार्गेनिंग भी करनी होती है। तो अभी हम मुड़ गए हैं, ये है लिंक रोड और कॉर्नर पे आपको दिखेगी जूतियों की दुकान। दिया गया जूतियां यहाँ पर 200 रुपए से लेकर 2000 तक की जूतियां आपको देखने को मिलेगी।
और जयपुर के हार्ट के अंदर। जी हाँ गैस, जयपुर का जो मेन एंट्रेंस है, जयपुर का जो मेन मार्केट है, वहीं पर है बापू बाज़ार। तो यहाँ पर बापू बाज़ार भी है, नेहरू बाज़ार भी है, इंदिरा बाज़ार भी है। ये तीनों बाज़ार आपस में कंटिन्यू हैं, केवल आपको चौराहे पार करने होते हैं। लेकिन सबसे फेमस है टूरिस्ट के लिए बापू बाज़ार। तो ये बापू बाज़ार का हमने आपको व्यू दिया है। अभी आपको हम लोग दिखा देते हैं सरावगी मेंशन भी। दिया गया सरावगी मेंशन भी ऐसा मार्केट है जहाँ पर आपको क्वालिटी वाली साड़ीज आपको वहाँ पर मिलेगी। नीचे कॉस्मेटिक्स की काफ़ी सारी दुकानें हैं। यदि आप कॉस्मेटिक और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के शौकीन हैं तो नज़दीक के अंदर ही सरावगी मेंशन मार्केट है, जहाँ पर जाकर आप परचेसिंग कर सकते हैं। खाने पीने के भी काफ़ी सारी दुकानें हैं, व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। और जयपुर जो कि अपने आप में एक बहुत खूबसूरत सिटी है, नवाबों की सिटी है, तो उसी नवाबों की सिटी सॉरी राजा महाराजाओं की सिटी है, तो यहाँ पर आकर आप राजा महाराजाओं की सिटी का लुक ले सकते हैं और फील कर सकते हैं कि आप भी अपने घर के तो एटलीस्ट राजा हैं, राजकुमार हैं, राजकुमारी हैं, रानियां हैं। तो गाइस ये आपकी आंखों के सामने आ चुका है जयपुर का सबसे फेमस सरावगी मेंशन बाज़ार, जहां पर जेंट्स का तो कहीं नाम ही नहीं है कि जेंट्स के लिए कुछ मिलता होगा, सब कुछ मिलता है इस मार्केट में लेडीज़ के लिए। तो गाइस अब बारी आती है, ये है जयपुर का अल्बर्ट हॉल। तो अल्बर्ट हॉल को दिखाने के बाद में हम करेंगे इस वीडियो को ख़त्म। बापू बाज़ार यदि आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, कुछ जानकारी आपको बापू बाज़ार से रिलेटेड चाहिए तो बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।